दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स रेफरेंस देने में बहुत ज़्यादा फेमस है, कि मूवीज में हमेशा ईस्टर एग और रेफरेंस मिलते रहते हैं। इसी तरह हमें एवेंजर्स एंड गेम में भी एक बहुत बड़ी मूवी का रेफरेंस मिला, जो कि एवेंजर्स एंड गेम, एवेंजर्स वर्सेज एक्समैन, एवेंजर्स एंड फैंटास्टिक फोर मूवी से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मूवी हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ एवेंजर्स सीक्रेट वॉर मूवीज की। अब मैं बात करता हूँ कि ये रेफरेंस कौन सा था। दोस्तों, एक सीन था जिसमें थेनोस की जब शिप आती थी पास से फ्यूचर में, तो वो एवेंजर्स के हेडक्वार्टर पे हमला कर देती थी और एवेंजर्स की हेडक्वार्टर की जितनी भी बिल्डिंग थी एक साथ जुड़ी हुई सारी कोलैप्स हो जाती थी। इस पे प्रोफेसर हल्क ने एक बिल्डिंग के पार्ट को रोक के रोडी और रॉकेट की जान बचाई थी। लेकिन ये सिमिलरली सेम सीन है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर का, जिसमें हल्क ने एक बिल्डिंग को रोक के बाकी जो बचे हुए एवेंजर्स थे, जैसे उसमें उस वक्त थे स्पाइडरमैन, हॉकआई, फैंटास्टिक वॉर, सबकी जान बचाई थी। तो एक सीधा सीधा रेफरेंस है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर मूवीज का। अब यहाँ पे जो रूसो कहते हैं कि अभी तो एवेंजर्स एंड गेम के बाद कोई मार्वल मूवीज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो मार्वल स्टूडियोज से एकदम डन हो चुके हैं। लेकिन अगर मार्वल स्टूडियोज फ्यूचर में एवेंजर्स सीक्रेट वॉर की प्लानिंग करता है, तो जरूर ज्वाइन करेंगे मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स फिर से, क्योंकि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर एक ऐसी मूवी है जिसमें सिर्फ एक्समैन, फैंटास्टिक फोर ने, बल्कि पूरे के पूरे अलग अलग यूनिवर्स के सुपर हीरो रहेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सीक्रेट वॉर है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ सीक्रेट वॉर में क्या होता है। जो मेन यूनिवर्स होती है यानी अर्थ 616 और जो ऑल्टरनेट यूनिवर्स होती है वो कोलैप्स कर जाते हैं। दोनों यूनिवर्स के सुपर हीरो एक साथ मिल जाते हैं और इसी इवेंट को कहते हैं एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। इसकी डिटेलिंग मैं अपने आने वाले वीडियोस में कर दूंगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसकी मैं स्टोरी लाइन में बता दूंगा कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में होता क्या है। फिलहाल अभी रूसो ब्रदर्स का ये प्लान है कि अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स सीक्रेट वॉर बनाता है तो फिर वो जरूर ज्वाइन करेंगे। लेकिन अब ये क्वेश्चन है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स सीक्रेट वॉर कब बनाएगा, क्योंकि सबसे पहले सीक्रेट वॉर बनाने के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को पहले एक्समैन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, फिर फैंटास्टिक फोर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, फिर ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस कैसे होते हैं उन सबको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब इतना सब करने के लिए मार्वल को कम से कम 6 से 7 साल लगेंगे, तब हमें 8वें या 9वें साल में एवेंजर्स सीक्रेट वॉर देखने को मिलेगी, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम भी जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पूरे 10 साल कंप्लीट कर लेते तब हमें देखने को मिली थी। तो ये काफी ज्यादा लंबी मूवी होगी। तो दोस्तों, आपके क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, आप एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स देखना चाहते हैं कि नहीं? दोस्तों, अगर मेरी बात माने तो मैं तो जरूर देखना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी मूवी होगी और हमें ऑल्टरनेट यूनिवर्स के सुपर हीरो देखने को मिलेंगे। ऑल्टरनेट यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका कैसे दिखते थे, ऑल्टरनेट यूनिवर्स में आयरन मैन कैसे दिखते थे, ऑल्टरनेट यूनिवर्स में हमारे स्पाइडरमैन कैसे दिखते थे। दोस्तों, अपने व्यूज जरूर कमेंट करें। और दोस्तों, कॉमिक बुक टॉक्स की तरफ से स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के मूवी टिकट्स के गिव अवे हो रहे हैं। गिव अवे में पार्टी लिंक भी, सिर्फ आपको इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने फेवरेट सुपर हीरोज का नाम कमेंट करना है। तो दोस्तों, अगर आप भी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के मूवी टिकट जीतना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए कॉमिक बुक टॉक्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।